क्लास सिक्स सब्जेक्ट एसएसटी लेसन फाइव रीड पेज 53-54। क्लास आज हम करेंगे रीडिंग पेज 53-54। पेज नंबर 53। टी टी इज द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक इन द वर्ल्ड। संसार में अधिक पॉपुलर ड्रिंक जो है चाय है। इट इज द ग्रोन अंडर द प्लांटेशन क्रॉपिंग इन द ट्रॉपिकल कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। ये चाय प्लांटेशन क्रॉपिंग है जो कि ट्रॉपिकल कंट्रीज जैसे कि एशिया और अफ्रीका में उगाई जाती है। टी नीड्स एंड एवरेज मीन टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। चाय को उगाने के लिए एवरेज टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल। नेक्स्ट पेज। बिटवीन 150 सेंटीमीटर एंड 250 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। द रूट्स ऑफ टी प्लांट्स डू नॉट टॉलरेट स्टैग्नेंट वाटर। चाय प्लांट की टी प्लांट की जो रूट्स हैं वो रुके हुए पानी को टॉलरेट नहीं कर पाती। देयरफॉर इसलिए हिल स्लोप्स एंड वेल ड्रेन्ड सोयल आर प्रेफर्ड फॉर टी प्लांटेशन। हिल स्लोप्स और वेल ड्रेन्ड सोयल यानी कि सूखी मिट्टी जो है टी प्लांटेशन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इंडिया श्रीलंका चाइना जापान इंडोनेशिया आर मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज। मुख्य टी प्लांटेशन कंट्रीज इंडिया श्रीलंका चाइना जापान इंडोनेशिया इत्यादि हैं। इन इंडिया टी इज ग्रोन इन आसाम वेस्ट बंगाल केरला एंड तमिलनाडु। भारत में चाय आसाम वेस्ट बंगाल केरला और तमिलनाडु में उगाई जाती है। नेक्स्ट है कॉफ़ी। कॉफ़ी इज द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बिवरेज ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला दूसरा बिवरेज प्रोडक्ट है कॉफ़ी। देयर आर थ्री मेन वेराइटीज ऑफ कॉफ़ी ग्रोन। तीन मुख्य प्रकार की कॉफ़ी उगाई जाती हैं। दीज आर अरेबिका रबस्टा एंड लाइब्रिका अमंग विच अरेबिका इज मोस्टली एक्सेप्टेड एंड लाइक्ड वर्ल्ड वाइड। इनमें से जो है सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली अरेबिका है जो कि पूरे वर्ल्ड में पसंद की जाती है। आप इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। अमंग विच अरेबिका इज मोस्टली एक्सेप्टेड एंड लाइक्ड वर्ल्ड वाइड। इट ग्रोन बेस्ट इन द टेम्परेचर बिटवीन 15 डिग्री सेल्सियस एंड 28 डिग्री सेल्सियस विद रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर एंड 150 सेंटीमीटर। इसे उगाने के लिए सबसे अच्छा टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस जिसमें कि वर्षा जो है 100 सेंटीमीटर और 150 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। विच इज़ वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ईयर जो कि पूरे साल में होनी चाहिए। कॉफ़ी इज ग्रोन इन मोर देन 150 कंट्रीज इन द ऑफ द वर्ल्ड। कॉफ़ी को लगभग 150 देशों में उगाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स आर ब्राज़ील कोलंबिया एंड आइवरी कोस्ट हैं। इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर्स इसमें क्या हैं? ब्राज़ील कोलंबिया और आइवरी कोस्ट हैं। इन इंडिया भारत में इट इज़ ग्रोन इन कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। भारत में ये कर्नाटका केरला आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में उगाए जाते हैं। अब है रबर। रबर इज ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स विच इज सिक्रेशन ऑफ नेचुरली ग्रोन एवरग्रीन प्लांट इन द ट्रॉपिकल रीजन। रबर जो है लेटेक्स प्लांट से ट्री से गेट किया जाता है जो कि नेचुरली ग्रोन एवरग्रीन प्लांट है इन द ट्रॉपिकल रीजन में। फॉर इट्स कमर्शियल वैल्यू रबर ट्रीज इज कल्टिवेटेड इन अ प्लांटेशन बेसिस इन देयर होम ग्राउंड बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट एरियाज। इसकी कमर्शियल वैल्यू को देखते हुए यह जो है प्लांटेशन इसको उगाया जाता है होम ग्राउंड्स पर यानी कि लगभग सभी देशों में उसको उगाया जाता है फॉरेस्ट एरियाज को साफ करके। इक्वेटोरियल क्लाइमेट विद द टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल रेंजिंग बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर इज बेस्ट सूटेड फॉर रबर प्लांटेशन। इक्वेटोरियल क्लाइमेट के साथ जो है टेम्परेचर की रेंज जो है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में होनी चाहिए और वर्षा की जो रेंज है वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर की सबसे अच्छी मानी जाती है। द लीडिंग रबर ग्रोइंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया इंडिया एंड फिलीपींस। रबड़ उगाने वाले मुख्य देश थाईलैंड इंडोनेशिया मलेशिया भारत और फिलीपींस हैं। इन इंडिया केरला अंडमान निकोबार आइलैंड
एंड कर्नाटका आर प्रोड्यूसिंग नेचुरल रबर। भारत में केरला, अंडेमान और निकोबार आइलैंड और कर्नाटका में सब जो है नेचुरल रबड़ के प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब हम आगे करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पर। द ह्यूमन पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड क्रॉस द 7.409 बिलियन मार्क इन द ईयर 2016 टू मीट द नीड ऑफ एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द प्रायोरिटी ऑफ द प्रेजेंट वर्ल्ड। ह्यूमन पॉपुलेशन संसार के लगभग 7 बिलियन तक पहुंच चुकी थी 2016 में। इस बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को, भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो आज के वर्ल्ड की प्रायोरिटी है। मेजर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की मेजरिंग, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू रेज फूड प्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज। ये अब बिल्कुल पॉसिबल हो चुका है फूड प्रोडक्शन की डिमांड को पूरा करने के लिए कि अब हम साइंटिफिक मेथड को और टेक्निक्स को जो कि डेवलप कंट्रीज में अपनाए जा रहे हैं उन्हें भी अपनाया जाए। लैंड रिफॉर्म्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म्स एंड इम्प्रूव्ड कंसोलिडेशन एंड लैंड होल्डिंग्स। गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म्स यानी कि भूमि सुधार और जो है लैंड होल्डिंग के मामलों में भी को भी इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। द स्टेटस या फिर जनता के सामने उन्हें इंट्रोड्यूस करना चाहिए कि लैंड के से संबंधित किस प्रकार के सुधार हो रहे हैं, ये कैसे उन्हें इम्प्रूव किया जा रहा है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द स्टेटस ऑफ फार्मर्स। प्रोमोटेड द यूज़ ऑफ बेटर फार्म मशीन एंड प्रोवाइडेड इरीगेशन फैसिलिटीज थ्रू कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। किसानों को जो है अच्छी प्रकार के बेटर फार्म्स मशीन्स और इरिगेशन फैसिलिटीज जो है सुविधा जो है बढ़ाई जाए या उनको दी जाए और जिसके द्वारा जो कि डैम्स के निर्माण के द्वारा जो है हो सकती है, ये आवश्यकता पूरी हो सकती है। ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर आल्सो एस्टैब्लिश्ड। और प्रबंधकों के द्वारा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के रेट भी जो है लगाए जाने चाहिए या उनके द्वारा ही वो सेट किए जाने चाहिए। प्लस आज की रीडिंग हमारी यहीं तक रहेगी।